अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई परेशानी है क्या? फोन चेक कर रहे थे बार बार तो इसलिए पूछा। नहीं नहीं, वो दरअसल एक क्लाइंट का फोन आना था, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो बस हम ही, बाकी सब ठीक है, सब ठीक ठीक है बच्चे, ठीक। पक्का ना? आप जाइए, आप नाश्ता, आप आ जाइए। हम आते हैं। बस बेटा, हम ले लेंगे। अरे भाभी, एक तो बस दानी, बस नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं खाना है, अभी जो नन्ना मेहमान आ रहा है ना, तो आपको उनके हिस्से का भी तो खाना पड़ेगा। जी देवरानी जी, बिल्कुल। दानी, वैसे एक बात कहें, तुमने ना सच में एक माँ की तरह हमारा ध्यान रखा है, थैंक यू सो मच। वाह पूजा बहू, वो माँ और हम तो साथ ही रह गए, है ना? अरे नहीं माँ, आप तो बड़ी माँ है ना। पापा, पक्का कोई परेशानी नहीं है ना? मतलब अब तब से फोन में देख रहे हैं। नहीं विश्वा, हमने पूजा भी रखी है ना, जो हमने कहा था, वहां थोड़ा सा देर हो गई है। हाँ तो 2-5 मिनट देर हो गई तो क्या हो जाएगा, लाइए हम पंडित जी से बात करते हैं। हम कर लेंगे बात करने आ। अब हानी, वो जरा शक्कर दो ना, हमें दही में शक्कर कम है। जी थैंक यू। दे दो इसे चीनी, बहुत मीठा खा रहे हो तुम आजकल। अरे नमस्ते नमस्ते, सुबह सुबह की राम राम। क्या वो जी प्रणाम करते हैं। आइए ना मोहन भैया, नाश्ता कर लीजिए। अरे सुबह ही कर लिया भैया जी, चले सर, टाइम हो गया। हाँ चलो। पापा नाश्ता तो खत्म करके जाइए, पूजा में टाइम लग जाएगा ना। पूजा? हाँ मोहन बा, एक तो आपकी उम्र हो गई है, आपको सब चीजें भूल जाते हैं। कहा था ना पूजा जो है मंदिर में, भूल गए, वहां विलंब हो रहा है, वही पूजा कह रही है। पूजा, चलिए चलिए आइए, हम आते हैं अभी, आप नाश्ता कीजिए, चले चले, आराम से जाना। भैया जी, हम तो सिटी हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो ये बीच में पूजा मंदिर कोई समझ नहीं आ रहा। बताता हूं, 20 साल तो हो ही गए होंगे मोहनवा, ये एक ऐसा राज है जो तब से हम अपने सीने में दबाए बैठे हैं, और काशीनाथ पांडे के सिवा इस राज को कोई अपने सीने में दबा के रख भी नहीं सकता। मोहनवा चलो। भाभी आज तो 4 तारीख है, आपकी अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के पास? ओ अरे हाँ धानी, हम तो भूल ही गए थे, आज तो 4 तारीख है। फटाफट नाश्ता कीजिए फिर जाते हैं साथ में। अब सिटी हॉस्पिटल में है ना डॉक्टर? हाँ सिटी हॉस्पिटल। ठीक है। आपका अल्ट्रासाउंड आज एकदम अच्छे से, और आने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ। हाँ धानी, हम भी ना भगवान से रोज यही प्रार्थना करते हैं। चल। सिस्टर, ये अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? पाइप।
जी फायर फायर अलार्म। शायद हॉस्पिटल में आग लगी, आप लोग जल्दी से बाहर जाइए। आग नानी, इस हालत में तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। एक मिनट एक मिनट, वार्ड बॉय मैडम को जल्दी से बाहर लेके जाइए। पीछे जल्दी जल्दी भेज जल्दी। जाइए, हम आते हैं। भैया आप इन्हें घर ले जाइए। धानी तुम क्या बोल रही हो, कहाँ जाओगे, चलो हमारे साथ। चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। धानी अब चलिए। धानी क्या काम है, तुम अकेले क्या करोगी? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस काम है थोड़ा। धानी बच्चे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पूजा भाभी का अपॉइंटमेंट था इसलिए आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर गए थे ना आप? तो मंदिर ही गया था, पर वो एक पुराने दोस्त हैं, उनका फोन आ गया। वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत बचपन की दोस्ती है ना, तो मुझे आना पड़ा। पर फिर अंदर जब आग लगी थी, आप ऐसे अंदर कैसे चले गए? मैंने कहा ना, घनिष्ठ मित्र है, मुझसे रहा नहीं गया। किसी डिपार्टमेंट में आग लग गई अचानक से, तो मैं कूद गया। लेकिन आपने अपनी खुद की परवाह नहीं की पापा। आप ही से तो सीखा है, जब कोई अपना खतरे में हो तब आदमी को अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। आओ बच्चे, घर चलते हैं। ठीक है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा हमसे झूठ बोल रहे हैं? शायद कुछ छुपा रहे हैं हमसे। आखिर बात क्या है?
बोल रहा है? सर, आपने जिस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, मुझे नहीं लगता वो आज बचेंगे। आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। आते हैं। बिना सच्चाई जाने हम उसे मरने नहीं देंगे, हमें फौरन जाना होगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे? डॉक्टर साहब, इस इंसान को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम पिछले 20 साल से इस इंसान को ढूंढ रहे थे। प्लीज डॉक्टर साहब। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी बात की गारंटी नहीं दे सकते। थोड़ी देर के लिए हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। अभी बेहोश है, जैसे ही उनको होश आता है हम आपको मिलवा देंगे। अच्छा ठीक है। इतनी रात को आखिर कौन है यहाँ पर? किसकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप घर में सबसे झूठ कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बच्चे, हमारा एक दोस्त है ना, घनिष्ठ मित्र है ना, बस उसी की बात कर रहे हैं। उसी के लिए आए थे। तबीयत खराब है उसकी। क्या छुपा रहे आप हमसे पापा? आपने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, आपको ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ नहीं बेटे, आपको ध्रुव जी की कसम पापा, आप हमें नहीं बताएंगे क्या? आखिर हुआ क्या है? ठीक है, आपको हमें नहीं बताना तो एक काम करते, हम ना ध्रुव जी को फोन करते, वही आपसे पूछ लेंगे, आप उन्हें ही बता देना। ठीक है, हम अभी कॉल करते हैं उन्हें। हम कॉल कर रहे हैं पापा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप ध्रुव जी से भी छुपा रहे? आपने तो कभी उन्हें अपना बेटा नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त माना है। पापा, आप हमारे भीष्म पितामह, आप हमेशा सच का रास्ता चुनते हैं। पापा वो इंसान है जिसने जिंदगी के हर मुश्किल पड़ाव का डटकर सामना किया, कभी भी झूठ की राह पर नहीं चले। तो फिर आज क्यों? आखिर बात क्या है पापा, हमें नहीं बताएंगे क्या? अपनी बिटिया रानी से नहीं कहेंगे क्या आप? या फिर हम उस लायक भी नहीं कि आपकी परेशानी समझ सके?
नहीं बताएंगे तो हम घर वालों को बता देंगे कि आप यहाँ पर है। नहीं बच्चे नहीं, आप जो जानना चाहती हैं वो हम चाहकर भी नहीं बता पा रहे हैं। इस राज का बोझ इतना भारी है कि हमारे कांधे झुक गए 20 सालों में। आप पर हमारा अटूट विश्वास है, बस यही विश्वास वो हाजिर नाजिर रखकर हम आपको बताते हैं कि अगर ये राज हमारे परिवार के सामने खुल गया तो हमारा भरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आखिर राज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपने अभी भी कहा ना कि आप हम पर भरोसा करते हैं, हम ये विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम है, आप बस बताइए, हमें इसे परेशान मत लीजिए प्लीज। बच्चे कई साल हो गए बच्चा, मेरे ख्याल से अंदाजे से 24 साल पहले की ये बात है। हरे भरे परिवार के सामने कैसे रख सकते हैं? गलती से भी अगर ये राज हमारे परिवार के सामने आ गया बड़ा पूरा परिवार सैलाब आ जाएगा बच्चा, और हम इस सैलाब को संभाल नहीं पाएंगे। हमने बड़ी मुद्दतों और बड़ी मुश्किलों से इस परिवार को बांध के रखा है, कैसे समझाएं रूपा को, बहना को कैसे समझाएं? नहीं नहीं बछवा, आज तक हमने इस परिवार को प्यार की माला में पिरो के रखा, एक पल में सब बिखर जाएगा और हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक पल में सब बिखर जाएगा बच्चा। काशीनाथ जी, उनके पास वक्त बहुत कम बचा है, आप आकर मिल सकते हैं। गलती होगी साहब, बहुत बड़ी गलती होगी साहब। 22 साल पहले हमने आपसे हस्ताक्षर भी कर दी साहब, माफ कर दीजिए।
अब कहाँ है? कहाँ है ये तो बताइए। गणेशगंज चौधरी पार के सामने 27 नंबर 27 स्तंभ। जरा चेक कीजिए, बोलना क्यों बंद हो गए? अब ये नहीं रहे। हे भगवान, हे भगवान। अरे बताओ तो, देखिए जरा चेक कीजिए, नहीं बोलना क्यों बंद हो गया? पापा पापा चलिए यहां से बाहर चलते हैं। 22 साल धानी बच्चे जिस राज को सीने में दबाए बैठे हो, उसकी आखिरी उम्मीद भी आज, हे भोले बाबा,